समझे आया नहीं।
भी, भूषण भी, कंबल भी, बिस्तर भी, भाईजू राय के कपड़े, स्वामी जी के कपड़े और इतना बड़ा लंगर 15 साल तक बराबर। आगे तो कारखाने में गए ना गए, 4 घंटे काम किया, जाके घूम फिर के आ गए। अब मालिक ने, हम राज्य के गुमास्ते, 24 घंटे कारखाने चलाने शुरू कर दिए, 1 से 21 कारखाने बन गए। अब गीत प्रावट आता है, देव सुंदर साथ के चरणों में भेजते चले जाते हैं। ये राजा राम जन जन भाई मेरते के सुंदर साथ थे। चलो, जन आया साथ में, जन जन भाई आया, दोनों ये सगे संबंधी थे, भाई थे, ये कुटुंब परिवार, कुटुंब परिवार को भी चरणों में रख दिया। लाया ईमान अरस पर, क्या पहचाना कि यही मेरे धाम के धनी हैं। पहुंचा परवरदिगार, इस तरह से उनको पहचान हुई। चलो भाई, कहां 4 मास लगे, 4 महीने तक स्वामी जी वहां रहे मेरते में। जब मेरते में इस तरह से जो है चर्चा का प्रवाह चल पड़ा, तब एक दिन स्वामी जी बाहर निकले। उस समय को घरों में तो लैटरिन व्यवस्था नहीं होती थी, लोटा लेके बाहर देख क्रिया के लिए शाम को जाते थे। तब स्वामी जी तो वापस आ गए, अभी लालदास और भीम भाई नहीं आए थे, तो रुक गए। ध्यान देना, जहां रुके वहां सामने मस्जिद थी, तो मुल्ला मस्जिद के अंदर खड़े होके नहीं बांध देते, आजान देते, मुनारे पर चढ़ गए। आजकल तो माइक है ना, इसलिए ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं। तो पहले ऊपर चढ़ते थे, कान में उंगली दे के जोर से कहते थे अल्लाहु अकबर, 3 बार शब्द बोलते। अब भी सुनना, अल्लाहु अकबर का अर्थ क्या है कि हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, भाषा का फर्क है। फिर क्या कहते हैं, ला इलाहो इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। और स्वामी जी चौंके, क्यों, 2 बार अर्ध यात्रा कर चुके, 1 बार 4 साल, 1 बार 5 साल, 9 साल। जो आदमी किसी कंट्री में रह है तो भाषा समझना को कठिन तो हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं ला तो कहा नहीं को, हम वो ला कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्षर। हम जिसको क्षर कहते हैं उसको मुसलमान क्या कहते हैं, ला। हम जिसको अक्षर कहते हैं वो क्या कहते हैं, इला। हम जिसको अक्षर अतीत कहते हैं वो उसको क्या कहते हैं, अल्लाह। ला तो कहा नाही को और इला तो है हक, ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग, ये अर्थ निकाला। फिर कहने लगे भाई परम धाम में हम 4 रहते, कौन, राजी, बोलो, श्यामा जी, सखियां और अक्षर। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि परम धाम से श्यामा जी भी आ गए, ध्यान दो, और सखियां भी आ गई और अक्षर ब्रह्म भी आ गया, तो अब बताओ वहां से रसूल बन के कौन है। नहीं समझी, पॉइंट को समझिए ना, यानी हमारी सुनता भी आ गई, आगे की नहीं आ गई, श्यामा जी की भी सुनता आ गई, आगे की नहीं आ गई, अक्षर ब्रह्म की भी सुनता आ गई, बाकी कौन रह गए, राज्य महाराज। तो फिर रसूल बन के टपालिया बन के कौन है। लेकिन दुनिया ने क्या समझा, रसूल साहब आए थे, रसूल साहब आए थे। अब स्वामी जी चौंकी, क्यों हो, ये फिर रसूल है कौन, रसूल राज्य महाराज के बिना कोई और हो नहीं सकता, तो वो जो कुरान कहा होगा उसके अंदर हमारी बातों के बिना और कोई हो नहीं सकता। लाख मुसलमान मक्के मदीने तक भी कुरान को पढ़ते रहे, एक भी शब्द का अर्थ कोई खोल नहीं सकता। ये बात लेकर और स्वामी जी आप कहते लालदास, और सुनियो भीम मुकंद जी, उदो के शमशान हम पाती पड़ी मोहम्मद की और पाई हकीकत धाम। बस लालदास अब जल्दी कर, अब चल के पहले किसके साथ बात करेंगे, औरंगजेब के, जो अपने आप को मोमिन कहता है, हिंदुओं पर जुर्म सितम कर रहा है, उससे पूछेंगे बता कुरान में कहां लिखा है। चल तो जल्दी लेके चल, अब वहां से चलना है।
आगरा मथुरा होते हुए सीधा डायरेक्ट दिल्ली स्वामी जी पहुंच गए। देखो चुम्मो का है साथ। अब आप धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी ध्यान दो। जब वो नमाज सुनी तो फिर किसकी शक्ति अक्षर ब्रह्म और हुक्म का स्वरूप अंदर आके बैठ गए। पहले तीन शक्तियां थी ध्यान दो, राजी थे श्यामा जी थे जो शर्वेश था अक्षर नहीं था। तो जब तक अक्षर की आत्म अंदर आके नहीं बैठती तो फिर पूर्ण ब्रह्म कैसे बने। अब वो यहां लो इससे का इलम स्वामी जी कहते हैं यहां तक देवचंद जी के बताए हुए ज्ञान की मैं भी चर्चा करता था ब्रजराज की और ये सब, और सबको तारतम देते समय क्या कहता था निज नाम श्री कृष्ण जी। अब मोहम्मद अंदर है कृष्ण जी कैसे रखें, तो ना कृष्ण जी और ना मोहम्मद जी इनको एक बराबर कर दिया कि निज नाम श्री कृष्ण जी और ला इला इल्ला इक्वल है। क्यों, बड़ी गहरी बात है ध्यान से सुनिए, पन्ना जी जाओगे तो लिखा हुआ है निनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर अतीत ला इलाहो इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। दामियों को किसी को अर्थ का नहीं मतलब, कृष्ण के अंदर आत्म किसकी थी, अरे बाबा तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंदगर क्यों, ठीक है। कृष्ण कौन बना, अक्षर की आत्म, और मोहम्मद कौन बना, ब्रिज रास खेल के आए प्रारंभ श्याम, वही अक्षर आत्म जोश धनी दाम कृष्ण के तन में है और वही आत्म अक्षर जोश धनी दाम मोहम्मद के तन में, दोनों एक हुए कि ना। अब दोनों को हटाना, अब वहां से स्टार्ट किया निज नाम श्री जी सर, ना हिंदू से मतलब ना मुसलमान से, ये है सारे भेद अच्छी तरह से समझिए। स्वामी जी कहते हैं यहां लो इसे कारण यहां तक मैं भी श्री देवचंद जी की ही वाणी के अनुसार प्रचार करता था, आप मोहम्मद को मिल चले। अब जब मोहम्मद अंदर आके बैठ गया तो फिर ध्यान दो ईसा मिले मेहंदी मीने तब अहमद हुआ श्याम, तब पूर्ण स्वरूप हो गए दोनों हुए, तभी तो पूर्ण ब्रह्म होगा, नहीं तो एक पक्षी हिंदुओं के परमात्मा बन के रहेंगे। ईसा देवचंद जी और किसमें मिले, मोहम्मद में, तब अहमद में पूर्ण हो गए, तब अहमद मिला ईसे मिले, तब ये तीनों मिल भय, तीनों शक्तियां अक्षर की आतन श्यामा महारानी और हुक्म मिल गए तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बने। अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम। तब स्वामी जी ने कहा सारे जगत के जुदा जुदा हिंदू मुसलमान के जो झगड़े हैं उनको मिटा करके एक राज्य में राय की राह पे चलाना हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। यहाँ तक स्वामी जी ने कभी कुरान की चर्चा ही नहीं सुनाई थी, चीती नहीं था, ध्यान ही नहीं था, कलमा से हासिल किया। कलमा जब पढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, जब इसकी जानकारी हो गई तब वह कुरान का भी मता ले लिया। लालदास को सारी बात समझाई, आज एक नई बात मिली है, तब लालदास जी ने कहा और उनको समझाया और स्वामी जी ने हुक्म दिया आगे बढ़ो कि एकदम अब दिल्ली चलो। क्यों, किसको ठिकाना है, औरंगजेब को निश्चय करके ये शाख मार की आत्म है। अब राज्य की पूर्ण शक्ति है, दूर से ही पहचान जाते कि ये किसकी आत्म है। इस लड़ाई करने को तुम्हें निशान लगाने के बाद भी वे डुड्डू नाथ बने रहते, एक एक जगह पे निशान लगाया। अब लड़ाई करना किससे है, औरंगजेब से, वो अपने को मोमिन कहता था और हिंदुओं पर जुल्म सितम करता था। सुंदर शाह जी हिस्ट्री को उठा करके देखो, औरंगजेब के राज में कोई हिंदू यदि मुंह से कह दे अल्लाह या कुरान या मोहम्मद गर्दन काट दी जाती। ऐसे ही औरंगजेब को जाके चर्चा सुनानी है
बोलो कितना कठिन काम था। इस वास्ते जो है चलो ढूंढ करके निकलो, अब आगे बढ़ो। आगरा मथुरा होकर के स्वामी जी दिल्ली पहुंच गए भाई, दसवीं जो भाई लो महाराज कोई दिन तहां रह, कोई दिन वहां रह के दिल्ली पहुंचे स्वामी जी, दिल्ली पहुंच गए। कितना का ठट्ठे का जो सुंदर साथ था, सूरत नहीं पहुंच सके, वो भी दिल्ली आ गए। और सूरत से ध्यान दो लक्ष्मीदास आ गए, ध्यान दो। अब कई तो सुंदर साथ छोड़ के ही भाग गए, क्यों? कौन सी चर्चा होने लगी? कुरान। भाई औरंगजेब को समझाना है तो कुरान से समझाएंगे कि गीता बाबू से? तो जब दिल्ली में आए स्वामी जी, कुरान की चर्चा सुनने लगे, कई डर गए, भाई ये हमको मरवा डाले, औरंगजेब का राज है, भैया हम परम धाम से ऐसे ही अच्छे छोड़ छाड़ के चले गए, अब क्या होता है। इतने में लक्ष्मीदास, जब सुंदर साथ का ईमान पक्का कच्चा हो गया, तब राज्य भी ऐसे वक्त में आके परीक्षा लेते हैं कि पूछो मत। अब लक्ष्मीदास आके कुटुंब कबीले के शहर वहीं घर बना लिया, वहां ध्यान देना राजी महाराज साक्षात दर्शन देते, कहते देख लक्ष्मीदास, शाह कुमार की ये आत्मा है औरंगजेब, ये तेरे से जागरी कराऊंगा, कोई जरूरी थोड़ा मेरा इठा तेरी सारी जागरी करे। और आज से आठवें दिन राजी कह रहे साक्षात मैं शाह कुमार की आत्मा को ले आऊंगा और आठवें दिन तुझे तर्क दूंगा। और उसके घर आवे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को भी खाऊ। अब लक्ष्मीदास से नारा गया, जाके स्वामी जी को कहते हैं स्वामी जी राज्य महाराज ने दर्शन दिए और आठवें दिन शाह कुमार की आत्मा को मेरे से जगाएंगे। स्वामी जी ने कहा बड़ी खुशी की बात है, कोई मेरे नाम अकेले के पटा थोड़ा लिखा है, आओ। यहां स्वामी जी क्या कहते हैं, जो जागनी का काम करे वो मेरे से आगे चले और मैं उसके पीछे चलूं, ये है नम्रता का भाव। कभी कोई जागनी करे जल्दी से जल्दी आत्मा को जगाए और परम धाम चले, जो जागनी का काम करेगा मैं उसके पीछे चलूंगा। हे लक्ष्मीदास तू आगे चल, मुझे आज्ञा कर, मैं वही करने के लिए तैयार हूं। और भाई अगर तू आगे नहीं चल सकता तो मेरे साथ बैठ, मैं तेरा भी आसन लगवा देता हूं। और अगर तू आगे भी नहीं चल सकता और साथ भी नहीं बैठ सकता तो फिर मुझे एक इंसान ना समझो, मुझे अक्षातीत ही मान करके जो मैं हुक्म कर उसको मान। लक्ष्मीदास कहते स्वामी जी आगे तो मैं चल नहीं सकता, साथ तो जरूर बैठूंगा है? क्योंकि तुम भी जाग नहीं कर रहे हो और मैंने भी जाग नहीं करनी है। स्वामी जी वेलकम, उसका भी आसन अपने साथ लगा दिया। अब भीम भाई और लालदास तो जानते हैं कि अंदर राज्य महाराज बैठे हैं, वो पहले स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, फिर उन आके उसको प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, दाम के धनी महाराज प्रणाम। अब अंदर तो कुछ है नहीं, गादी पर बैठ जाने से क्या हो जाएगा। और दो तीन दिन तो उसने प्रणाम कराया, फिर कांपने लगा, भाई अंदर मेरे कुछ है नहीं, मैं काहे को प्रणाम करूं। कहते स्वामी जी जागनी में सातवें दिन कर दूंगा पर मैं तो नीचे बैठा करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा भाई जैसे तेरी मर्जी, तू जागे नहीं कर। छह दिन हो गए, राजी रोज आते तो रोज लक्ष्मीदास पूछता स्वामी राजी महाराज जाग, अरे बाबा तुझे एक बार कह दे तो आठवां दिन तो बीतने दे, मैं ला करके तेरे से जागनी करवाता हूं। सातवां दिन मिल गया, कहते राजी महाराज याद है? वो कहते बाबा आज का दिन बीतने दो, तो कल ही तो लेके आना है। अच्छा आठवां दिन जब आया राज्य आए, किसी को तो लाए नहीं, तब राज्य कहते वो अकल के अंधे, उनके तन में कौन बैठा हुआ है? तू जिसको महाराज ठाकुर समझते फिरते हो तुम लोग, मैं उसी तन में बैठा हुआ हूं और तुम क्या जागने का काम करो। हांसी हुई सुंदर साथ में बन जाता हम कहीं, मजाक तो उड़ना ही था, काम ही ऐसा था। ऐसे ऐसे काम राज्य महाराज करते हैं किस लिए? ईमान पक्का करने, ताकि सुंदर साथ किसी में बेकाबे में आके उनके चरण कमल ना छोड़ जाए। अब लालदास कहते अच्छा भाई, स्वामी जी कहते अच्छा भाई चलो, अब नहीं राज्य महाराज उससे जागने कराते तो अब ये सोचो कि औरंगजेब से मुलाकात कैसे करें। तब
ध्यान के साथ धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं, स्वामी जी और लाल दास बैठ के 2200 प्रश्न कुरान के लिखते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लिख देते हैं। तब एक वकील को बुलाया, कहते हैं स्वामी जी आपको पता है हिंदवी की लिखी हुई चिट्ठी दरबार में जाती ही नहीं, फाड़ के फेंक देते थे। कहने लगे अच्छा इसकी भाषा चेंज करनी है। तो खास खास सुंदर सा जो पक्के ईमान वाले थे लालदास जी को स्वामी जी कहते हैं शहर में बैठ के यह काम नहीं होगा, एकांत में चले। ध्यान देना, उनको साथ लेके बाकी सुंदर साथ को दिल्ली में ठहरा दिया कि तुम यहीं रुको, हम अपना काम करने के बाद फिर आ जाएंगे। अब गए शाहजहानपुर बूढ़िया, अब भी वो गांव है, वहां जाके अब चर्चा का काम शुरू किया। तो दज्जाल इतना कंबख्त है, अभी जाके बैठे ही थे तो मिर्गी की बीमारी शुरू हो गई। और गरीबदास, कौन गरीबदास, और नागजी भाई जो था उसको मिर्गी आ गई, लगा मरने। ध्यान दो, स्वामी ने कहा गरीबदास मेरी आंखों में तू आंखें डाल। बस अपना जोश उसके अंदर डाला, मौत भी तड़प तड़प के रह गई लेकिन उसको मार सकी नहीं। तब हुक्म दिया और वो मिर्गी की बीमारी शांत हुई। अब क्या करते हैं, कोई सुंदर साथ को खड़कारी राजा हिंदू स्टेट का था, भाई जाओ पता करो शायद उसके अंदर शाकुंडल की आत्म लौट के आए कि नहीं, स्वामी जी उसके अंदर दम में। अब यहां बैठ के ध्यान दो, वही 22 प्रश्न जो हिंदी भाषा के थे उनको भाषा चेंज करके त्याग कर दिए। और लालदास और भीम भाई को कहा जाओ ये चिट्ठी लेके तुम दिल्ली जाओ और औरंगजेब के पास पहुंचाओ। जैसे वो चले एक मजल तो अंदर राज्य में राय कहते हे मेरा ठाकुर इंद्रावती रुक जाओ, अभी वो समय नहीं है, और अगर अभी तुम जल्दी करोगे तो औरंगजेब इनको मार डालेगा, रोक लो इनको। पीछे से फिर कांजी भाई सुंदर साहब को भेजा और कहा कि जाओ उनको रोक दो और कहो कि जब तक हम आ ना जाए तब तक इस काम को करना नहीं, और पहला जो हुक्म दिया था उसको रद्द कर दिया। लालदास और भी भाई इंतजार करे। अब स्वामी जी सुंदर साथ को लेके फिर कहां गए, दिल्ली। एक महीना वहां रहे, चेत का महीना, और लिखा हुआ था साका सहलवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब कुंभ के मेले पर आकर वह विज्ञा विनंद बुद्ध निष्कलन करता सबके अंदर जाहिर हो जाए। अब स्वामी जी उन सुंदर साथ को लेके कुंभ के मेले पर जाते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान, वहां शास्त्रों के ज्ञान की जरूरत है। तो लालदास जी मुकंदास जी और बड़े बड़े मोमिन जो थे उनको लेकर के पहुंचे साका सहलवान का 1600 पूरण भविष्य प्राण से ही लिखा था सतयुग से कि जब 28वां कलयुग आएगा, थोड़ा कम, तब कलयुग तो बहुत बड़ा होता है, पर जब साका सहलवान का 1600 पूरा चल रहा होगा तब वह पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत विज्ञा अभिनंद बुद्ध निष्कलन का धार पोते दुनिया में आकर प्रकट होंगे। अब वो सम्मत आ गया, स्वामी जी दिल्ली में थे, औरंगजेब की याग्नि का काम या उससे मुलाकात करने की बात को रोक दिया। एक महीना दिल्ली में रहे और फिर हरिद्वार में आ गए। फिर आके क्या किया, फिर आए फिर कवे संयम कि जितने भी हिंदू धर्म के धर्माचारी थे और झूठ की पूजा कर रहे थे, असत को ही परमात्मा मान बैठे थे, भगवानों को ही पूर्ण ब्रह्म कहते थे, अब किस तरह से स्वामी जी ने उन पर प्रश्न किया और किस तरह से वो उत्तर देते हैं, और फिर कैसे सब ने स्वीकार किया कि आप ही पार ब्रह्म क्षाति विजा विनंद बुद्ध निष्कलन करता रहो अब साकर सहलवान का जब था तब विक्रम संवत जो है वो 1700 और 35 का चल रहा था
तब जितने भी हिंदू धर्म के संप्रदाय थे, फिरके थे, उनके साथ जो है वार्तालाप होती है। कौन? जो ईश्वरों के भी ईश, और खुद आकर के दुनिया को बताते हैं कि धर्माचार्य अपने आप को संभालो, तुम झूठ की पूजा कर रहे हो। और तुम्हारे ग्रंथ क्या कहते हैं? हरिद्वार के मेला में चार संप्रदाय, ध्यान देना, चार संप्रदाय सनातन धर्म की आज भी चल रही है, रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य जय, और चार वेद और छह उनके दर्शन हैं, शास्त्र हैं, उनके ऋषि जन वहां थे। दस नाम सन्यासी जानी, और सन्यास मत जो भगवा कपड़े वगैरह पहनते, दस शाखाएं उनकी भी थी, उनके भी आचार्य थे। चार वर्ण और चारों आश्रम के भी जो है पूज्य लोग वहां पर थे। अब ध्यान देना, जब स्वामी जी के वस्त्रों को देखा तो सब इकट्ठे हो गए। क्या दिल में शक आ गया कि ये कोई औरंगजेब का दूत आया है? क्यों, किस लिए ऐसा उनको सोचना पड़ा? क्योंकि स्वामी जी ने भगवे वस्त्र धारण ही नहीं किए, गले में कोई माला वाला डाली नहीं हुई थी, इसलिए उनको देख करके सबके दिल में इसलिए संशय आ गया कि औरंगजेब प्रायः ऐसा करता रहता था कि वे हिंदुओं के यज्ञ को होने नहीं देता था, विघ्न पे विघ्न डाला करता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुंभ का मेला है और औरंगजेब चाहता नहीं, इसलिए ये उनका कोई दूत है। सुंदर साहब जी, आज का विषय ऐसा है, कंपैरिजन करना होगा। क्यों निजानंद संप्रदाय में आए? वही क्यों प्राणनाथ जी के चरणों में आए? वही क्यों भाई इतने सालों से हम देवी की, भगवती की, इनकी पूजा कर रहे हैं, इनको क्यों छोड़े? आइए अब उन सब जो धर्माचार्य थे उनके लोगों के दिल में क्या शक आ गया? हम सुनी न देखी कि स्वामी जी मालूम होता है तुम हिंदू नहीं हो। क्यों? ये जो तुमने खाली एक लंबा तिलक लगा रखा है, ऐसी तिलक वाला या सफेद वस्त्रों वाला आचार्य किसी धर्म का हो ना तो हमने सुना, अर्थात हमारे भी बहुत प्रचारक सारे देश में घूमते हैं और हम भी जाते हैं, ना कहीं हम लोगों ने देखा है। इसलिए कृपा करके जरा अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, क्या बात है? तुम हो मार्ग में ना, हमें पूरा यकीन हो गया है कि आप हिंदू नहीं हैं। तब कहे वचन श्री राज ने, सुनने क्या प्रसंग है, वो प्रश्न करेंगे, उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी कि देखो भाई ऐसा ना करो, हम हिंदू अवश्य हैं लेकिन संतों की शरण से बैठ बैठ के यही सीखा है, समझा है कि मनुष्य तन मिला है फक्त भाव सागर से पार, कि हमारे जीव को आत्मा का सवाल भी नहीं स्वामी जी करते, मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, तो फिर हमें कैसे पता चलता कि कौन संप्रदाय, कौन गुरु ऐसा है जिसके चरणों में शीश रख देने से हमारे जीव को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए तुम्हारे ध्यान से एक एक शब्द सुनने जैसे, तुम्हारे जो धर्म संप्रदाय हैं बहुत प्राचीन, जब से संसार है सनातन धर्म और गायत्री के धर्म इत्यादि सारे प्राचीन पुरातन हैं, और मैं आया हूं और ये मेरे साथ थे स्वामी जी के साथ 50-60 सुंदर साथ भी थे, हम अपने जीव के कल्याण के लिए आए, और अभी हमारे और भी हजारों कबीले हैं, तो जो तुम सब गुरुओं में से मेरे जीव को पार उतरने का मार्ग बता देगा, हम उनके चरणों में शीश रख के और उनकी संप्रदाय को ग्रहण कर लेंगे। सो कहो हमें समझाए
के तो हमें समझा के कहो अपनो इष्ट जो धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा इष्ट कौन सा है, तुम्हारा गोत्र कौन सा है, तुम्हारा सूत्र कौन सा है, और इष्ट को किस साधन से सुमरण करते हो, फिर उसका फल क्या मिलेगा। पर हे आचार्य महाराजो, क्रोध नहीं करना, क्योंकि मैं अजान व्यक्ति अक्षती कहे, हो सकता है कोई ऐसी बात कह दूं तो गुस्सा नहीं करना, और एक अहम नहीं करना, अरे महाराज के सामने कैसा बोलते हो, क्यों, तो फिर मेरे मन के शंसे किस तरह से जाएंगे, कहो समझाए, और मेरे प्रश्न को सुनकर चित्त देकर के समझाना, कहो यथार्थ वेद ले, ऐसी रागनी से चलोगे तो कल तक नहीं खत्म होगा, नहीं मतलब तेज स्पीड रखो, कहो यथार्थ वेद ले, कि जो कुछ भी कहो बता दो कि उसकी साक्षी किस ग्रंथ में लिखी है, मुझे शंसे होगा तो मैं देख लूंगा, नहीं तो मैं स्वीकार कर लूंगा, और उसी को हम ग्रहण करने आए हैं। या मैंने कोई हिंदुओं में से अभी किसी को गुरु धारण नहीं किया, आज मैं गुरु धारण करने के लिए आया हूँ, जो कुछ तुमने दृढ़ कर रखा है वो जरा बता दीजिए, हमें बता दो, तुम्हें जो तुम बताओगे, यदि उस पर मुझे कोई संकोच संशय होगा आप संशय मिटा देना, मैं आपके चरणों में शीश रख दूंगा, वो संशय मिटाओगे तभी तो हम आपके धर्म में आएंगे। तब बोले रामानुज, ध्यान दो, आदि सनातन धर्म की पहली संप्रदाय जिसको आज श्री संप्रदाय भी कहते, या उनके आचार्य जो थे, ध्यान से सुनते चलना, वो क्या कहते हैं, शास्त्र वेद मत कहिए, बिल्कुल हम शास्त्रों से बताएंगे, कहो अगोचर पंथ सही, और हमारे पंथ का नाम ही अगोचर है, सनातन है, उससे पहले कोई था ही नहीं, देखो अपनी दृष्टि, अपनी दृष्टि से विचार करके देखो, हमारे गुरु धर्म में, अब ध्यान देना, हमारे इस धर्म में संप्रदाय में कहीं नाम माला उर्मा, कि हमें जब मंत्र माला मिल जाता है तो मुख से नहीं उच्चारण करते, हृदय के अंदर ही हम उसका पाठ पारायण करते हैं, अच्युत गोत्र अति सूची परम है, पवित्र पुरानी संप्रदाय है, प्रभु अनंत शाखा जवानी, और इस शाखा को स्वयं परमात्मा, एक एक बात सुनते चलो, जब सृष्टि पर आए थे उन्होंने इसको चलाया था, शुक्ल हमारा वर्ण है, और वर्ण हमारा शुक्ल वर्ण है, वो चारों वर्णों से बाहर है, सब वर्णों से बाहर है, साम वेद द्वार श्रवणा, अब सुनते चलना जरा, चार वेद है सब जानते हैं, श्याम यजुर् अथर्व और ऋग्वेद, ये क्या किसका सहारा ले रहे हैं, श्याम हमारा वेद है, मुक्त समीपी जाहिर, अब ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, और मुक्ति हमें कहाँ मिलती है, चार प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में है, और वो लोग मुक्ति कह देते हैं तो सारे समझते हैं जी मुक्ति तो मिली जानी, अब ध्यान से सुनना, वैकुंठ के अंदर कौन कौन सी मुक्ति है, सालोक, सारूप, सामीप और सायुज। सालोक का अर्थ क्या होता है, वैकुंठ में एनी वेयर हमें स्थान मिल जाए हमारी मुक्ति हो जाती है, और समीप का अर्थ क्या होता है, कि जहां स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी रहते हैं उनके निकट ही हमें स्थान मिल जाए, और सारूप कि जिस तरह से भगवान ने लक्ष्मी को रखा हुआ है उसी प्रकार हमें अपने चरणों में ले ले, यह है सारूप की भक्ति, और सायुज अपने अंदर समा लेना, ये चार प्रकार की मुक्ति, इनमें से वो कौन सी मुक्ति कह रहे, सामीप की हमारी मुक्ति है, कि बिल्कुल भगवान के चरणों के निकट स्थान मिलता है, मठ वैकुंठ है हमारो, सुमेत देखना जाना, और हमारा मठ हमारा धाम कौन सा है, वैकुंठ, ये है वैकुंठ, ये हमारा मठ है, ये हमारा धाम है, और परिक्रमा हम किसकी करते हैं, सुमेर पर्वत की, बीज मंत्र निराकार है, और देख लो ध्यान के साथ,
कि हम भगवान किसको मानते हैं, किसका मंत्र सुमरण करते हैं, निराकार स्वरूप का। नव सब ब्रह्मे माना। और ब्रह्म जो है हमारे विष्णु भगवान, वो कहाँ से आए हैं? आदि नरेण जरे पाताल में लक्ष्मी जी के साथ शास्त्र फलों की सेज्जा पर विराजमान थे, तो उनकी नाभि कमल से उन तीन गुणों की उत्पत्ति हुई। ये नाभि कमल, ये पाताल, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु और महेश, पद्मनाभ जो क्षेत्र है, वो जो पद्मनाभ हमारा क्षेत्र है, मेलकोटा सुख विलास, और वो मेलकोटा जो है सुखानंद का स्थान है, लक्ष्मी इष्ट तगोप है। ध्यान के साथ, हमारे इष्ट परमात्मा कौन है? लक्ष्मी जी हमारे इष्ट हैं, वही परमात्मा है हमारे, उन्होंने ही आके हमारी संप्रदाय को चलाया था। उज्जलति प्रकाश, स्वामी जी इससे उज्ज्वल और क्या हो सकता है? ये पद्धति लक्ष्मी से चली, और इस पद्धति को किसने चलाया? जब लक्ष्मी जी यहाँ अवतार बन के आए थे, ये पद्धति बिन ब्रह्मा, और स्वामी जी इसमें तो अब तो ब्रह्म की जरूरत ही नहीं है कोई। चौदह भवन पर वैकुंठ है, और चौदह लोक पर वैकुंठ है, उससे आगे कोई लोक ही नहीं है, वही हमारा अखाड़ा है, धाम है, स्थान है, रंगनाथ हम धाम है, और धाम हमारा चार धाम है ना, रंगनाथ हमारा धाम है भारतवर्ष में, नदी कावेरी तीर्थ, और नदी कावेरी में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, और वो हमारा तीर्थ स्थान है। देवी है कमला सही, ध्यान करना सुनना सर, देवी भी कौन? कमला, और इष्ट भी कौन? लक्ष्मी। देवी हमारी कमला है, सारे सवे अरे सब मनोकामना शरीर सुख देती है, मन की कामना पूर्ण होती है, नारायण है देवता, और देवता हमारे श्री नारायण है, विष्णु आचार्य हो, और विष्णु हमारे आचार्य हैं, गायत्री है अलख निरंजन, गायत्री का हम जाप करते हैं अलख निरंजन का, कही पद्धति रामानुज, ये रामानुज वालों ने पद्धति अपनी बताई, सुन पद्धत श्री राज ने, अब इस पद्धति को सुनकर स्वामी जी क्या पूछते हैं? ये प्रश्न जो ये है, क्या प्रश्न किया? कहो पंथागत जो, कहने के महाराज इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, तुम्हारा पथ बड़ा अगाध है, बड़ा ज्ञान महिमा, किसी के खंडन नहीं, ध्यान के साथ सुनने चलना। तुम धन्य रामानुज ते, वाकई रामानुज वालो, क्यों? वैकुंठ भी ले लियो, लक्ष्मी भी ले ली, विष्णु भगवान भी ले लिए, ठीक है, और आदि नारायण भी ले लिए, इससे फिर आगे रही क्या गया? जग माहे की कही तुम, अब आ जाओ जरा ध्यान के साथ, चौथे लोक की अंदर की तुमने बात कही, और यही तुम्हारे परमात्मा, यही तुम्हारे इष्ट हैं, यही तुम्हारे सब कुछ हैं, और जरा श्याम वेद को खोल करके तो मुझे बताओ, वेद कहते हैं ब्रह्म सत्य बोलो, और जगत मिथ्या, इसमें जो तुम्हारे परमात्मा है, इसमें जो लक्ष्मी है, इन सब का महाप्रलय में जब लय हो जाएगा तो फिर ये बता दो मेरे जीव को मुक्ति कहां और कौन देगा, जब तुम्हारा परमात्मा ही नहीं रहेगा, तुम्हारा वैकुंठ धाम ही नहीं रहेगा, लक्ष्मी नहीं रहेगी, तो फिर क्या बनेगा? पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, पिंड अर्थात देह, हर एक की बॉडी, और ये सारा संसार जो है ये महाप्रलय में लय हो जाने वाला है, तो कहां जीव को वास, फिर बताओ मेरे जीव को मुक्ति कौन देगा? तो बोले नहीं मानो जा, कोई उत्तर नहीं, कहां से जवाब लाए? अब दूसरी ओर कह लगे जी बस फिर हमारा ज्ञान तो ऐसा है, अब आए नीमानुज वाले, वो भी सनातन धर्म की दूसरी संप्रदाय है, वेद इष्ट जपदा, कह जाओ स्वामी जी हम बताते हमारा वेद क्या है, जप क्या है, क्या विधि है, अपनी संप्रदाय सब कहो, सब अपनी संप्रदाय हम आपको कहेंगे, मूल कहो विश्राम, और स्वामी जी सुन करके आप क्वेश्चन करना, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। मथुरा है साला सही, आप ध्यान दो एक एक बात को समझो, वो किसको मथुरा से कहते हैं? गौलोक को, इससे पहले दूसरे नक्शे में गौलोक हमारी शाला है, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, और गोकुल जो है वो हमारा धर्म क्षेत्र है, सुख विलास वृंदावन में,
और सुख विलास का ठिकाना हमारा वृंदावन में। ये तीनों बातें कहां की? बोलो बोलो, इतना सुन चुके हो योग माया गौलोक की बातें की, अब आगे सुनना। शाला कह दी और स्थान कह दिया, अब आगे क्या है? दाम द्वारका नीत करो, क्या करोगे? मुक्ति तो धाम में मिलनी है, तो धाम कहां कह दिया? ए द्वारका जामनगर के आगे, वो हमारा धाम है। नदी गोमती तीर्थ और नदी हमारी गोमती है, इष्ट रुक्मणी होए। और ध्यान के साथ, इष्ट हमारे कौन है? रुक्मणी। भाई नंदन, ये खटपटी मत कर, सब का ध्यान तेरी तरफ चला जाता है। क्या सुने ये लोग? अजुर वेद हर नाम की माला, और यजुर हमारा वेद है, और हर का नाम की हम माला जपते हैं। तारे छल सब सो, बस हमारे छल शरीर के दुख सब दूर हो जाते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, और वृंदा हमारी देवी है और मुक्त का स्थान है। प्रणव मंत्र ओंकार, और प्रणव मंत्र जो है, एको ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि ओम भूर्वाय नमः स्वाहा, ये हमारे मंत्र का जाप करते हैं। कली संप्रदाय शंका दीक्षे, ध्यान के साथ, कहां से संप्रदाय चली? ब्रह्मा जी के मानसक पुत्र जो है सनका सनंदना, इनको सनातन कहते। जब ये सृष्टि पे आए थे, उन्होंने ही आकर हमारी संप्रदाय को चलाया था। प्राचीन मत सार, और स्वामी जी हमारा मत तो प्राचीन है, इसलिए इसका नाम ही सनातन है। गोपाल वंश गायत्री, और गोपाल वंश है और गायत्री का जाप करते हैं। गोपाल मंत्र है जान, और मंत्र हमारा गोपाल है। नारद है आचार्य, और हमारे संप्रदाय का आचार्य कौन है? नारद जी महाराज हैं। ऋषि दुर्वासा, और ऋषि हमारे दुर्वासा है। विष्णु को वाहन सही, और विष्णु को जो वाहन हंस रूप है। गरुड़ देवता सो, और गरुड़ हमारे देवता हैं। रक्षा करे सदा संत, बस सदा संतों की रक्षा करता है, सब दुख दूर शरीर करता है, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अब ध्यान देना, ये निमानुज वालों की संप्रदाय है। तब ये प्रसन्न श्रीराज ने, तब स्वामी जी क्या कहते हैं? तुम्हें नहीं विचार, कहने के भाई आधी बातें तो आपने बोलो अखंड गौलोक की कह दी, और धाम बता दिया द्वारका जी, ये तो पृथ्वी के ऊपर है। तुमने सार और असार, सत और झूठ को खिचड़ी बना रखा है। जगत मंजार, कुछ जगत की अंदर की बात कही है, कुछ परे की बात कह दी। सार असार को एक किए, सत और असत, सार और असार को एक बनाए बैठे हो। मिले नहीं मतभेद, किस तरह से ये बात बनेगी? तुम बिन सतगुरु क्या करो? तुम बिना सतगुरु के क्या करे, जो तुम्हें भव से आगे पार करता। इसलिए तुम कुछ भी करते रहो, ऐसा करने से भाव सागर से कभी भी पार तुम नहीं हो सकते, तो मुझे क्या भव से पार करोगे? तब विष्णु श्यामाचार्य ने, सुनते जब ना, एक प्रश्न है सिर्फ कि जीव हमारा कैसे भव से पार, दो सनातन धर्म की संस्था बैठी। अब आए विष्णु श्याम, कहते जी हम अपनी संप्रदाय सब बताते हैं। उपासना वेद जाप, हमारा विधि क्या है, उपासना क्या है, किस वेद को हम जपते हैं, ये सब बातें बताएंगे। तो स्वामी जी हम कहते हैं, आप सुनो, प्रश्न होगा हम आपके संशय मिटाएंगे। विष्णु कांची है धर्मशाला, और विष्णु कांची जो है वो हमारा धर्म का स्थान है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, और तीर्थ हमारा कहाँ है? एक तो है ना गंगा, एक उसके ऊपर क्या है, जहां से गंगोत्री निकलती है, वो जब गंगा चक्र है, वो वहां हम ऊपर जाके तीर्थ करते हैं। सुख विलास इंद्र दमन मद, ध्यान के साथ, और सुख विलास का ठिकाना कहां है? इंद्र दमन कहां है? स्वर्ग, वो हमारा सुख का स्थान है। जहां निर्मल सबको, बस स्वर्ग में चले जाए महाराज, फिर और क्या चाहिए, निर्मल हो जाते हैं। मार्कन है तीर्थ, और तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र के पास जो है मार्कंड ताल है, वहां जाके तीर्थ करते हैं, सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। पुरुषोत्तमपुर धाम, और पुरुषोत्तमपुर धाम है इष्ट लक्ष्मी है।
सही। और हमारे इष्ट जो है ना वो लक्ष्मी जी हैं, जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, और जगन्नाथ जो है हमारे सेवन का उपासना का नाम है। अथर्व हमारो सही, और वेद हमारा अथर्व है, माला नाम सार, और वही माला का सार जपते हैं। अच्युत है गोत्र पुनः, और स्वामी जी हमारा गोत्र अच्युत परम पवित्र है, त्रिपुरारी शाखा दार, और शिवपुरारी जो है हमारी शाखा है। सकल वर्ण तुम जानियो, स्वामी जी वर्ण हमारा सकल है, तुलसी मंत्र है जाप, और हम दूसरी मालाओं पर ही जाप करते, तुलसी की माला पर ही जो है हम अपना जाप करते हैं। जल बिंब ऋषि है देवता, और जल बिंब जो वरुण देव है वो हमारे ऋषि हैं, वामदेव आचार्य हैं हमारे, ब्रह्म गायत्री जानियो, और गायत्री का हमारा मंत्र है। महादेव से संप्रदाय, इस संप्रदाय को किसने चलाया, महादेव जी ने, शंकर भगवान जी ने आकर चलाया है। सायुज मुक्त हमने ग्रही, सायुज की मुक्ति वैकुंठ के अंदर हमें मिलती है। विष्णु श्याम संप्रदाय ने अपना सब कुछ बताया। तुम तो ये जग में कही, स्वामी जी कहते हैं भाई ये तो सारी बात आपने जगत के अंदर कही है, कि जग से परे की तो कोई बात कही नहीं आपने। ये कहे वचन श्री राम, स्वामी जी ने ये वचन कहे, ये पुराण जगन्नाथ कहे, वेद और पुराण क्या कहते हैं जगत का, ना सुना है मिथ्या है, फिर बताओ तुम्हारी संप्रदाय कहाँ रहेगी, और तुम्हारे भगवान कहाँ रहेंगे, और कौन मेरे जीव को मुक्ति देगा। तब कही माधवाचार्य ने, चौथी संप्रदाय सनातन धर्म की कौन सी रह गई, माधवाचार्य वाले, उनके आचार्य कहते हैं स्वामी जी आइए हम आपको बताएंगे कैसे मुक्ति हो सकती है। हमारी संप्रदाय जो है, हमारी जो संप्रदाय है, हम गोत्र बताएंगे, सूत्र बताएंगे, इष्ट बताएंगे, जाप बताएंगे। सुनो आप तो सो, हम बताते हैं आप सुनो। पूरी अवंतिका शाला सही, शाला हमारी कौन सी है, उज्जैन अवंतिका पुरी जो है वो हमारी शाला है। नीम खार क्षेत्र, और नीम खार ये हमारा क्षेत्र है। सुख विलास है अंग पाक मद, और सुख विलास कहाँ है, विष्णु भगवान के चरणों में, और हमारे कहीं सुख का स्थान बद्रीनाथ धाम है। और धाम हमारा कौन सा है, ये बद्रीनाथ जो है वो हमारा धाम है। अलखा नदी तीर्थ हमारो, और अलखा नदी ये यूपी के अंदर सहारनपुर और गढ़वाल के बीच में चलती है, उसका हम तीर्थ करते हैं। विद उपासना जान, ये हमारी उपासना की विधि है, तरीका है। सावित्री तो इष्ट है, और हमारे इष्ट कौन सी है, सावित्री हमारी इष्ट है। आज वेद ऋग्मान, और हमारा वेद जो है ऋग्वेद है। हर नाम की माला, और हर नाम की माला हृदय के अंदर जाप करते हैं। विष्णु गायत्री है गान, और विष्णु का गायत्री का जो है गान करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है, और मंत्र का रूप कौन सा है, विष्णु के कई अवतार है, विष्णु का जो रूप हंस रूप है उसका जो है हम जाप करते हैं। ब्रह्माचार्य प्रमाण, और हमारे संप्रदाय के आचार्य कौन है, ब्रह्मा जी है। हंस ऋषि पुनि देवता, और हंस ऋषि जो है वही हमारे देवता हैं। ब्रह्मा के संप्रदाय, इस संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आके पोते चलाया था। सालोक है मुक्ति हमारी, सालोक वैकुंठ की हमारी मुक्ति है। ये पद्धति माधवी सुहाई, ये माधवाचार्य वालों ने अपनी पद्धति बताई। कब कहे प्रश्न सिराज ने, सावधान कई सुंदर साथ है, सोने का प्रयास कर रहे, मैं खड़ा कर दूं क्यों, हम किसी को बताएंगे कहां से, जब इस मतलब इसको कोई माला नहीं फेरनी, जानकारी तो होनी चाहिए। कई नए भी आ सकते हैं, वो कहेंगे क्यों हम अपनों को छोड़े, क्यों हम लक्ष्मी को छोड़े। अब सुनो स्वामी जी क्या प्रश्न करते हैं, ये तो कही जगमान के महाराज, ये लक्ष्मी ये विष्णु ये 14 लोग के अंदर की, जग के अंदर की तो बात कह रहे हो। कहे वेद जग ब्रह्म है, और तुम्हारे वेद कहते हैं कि जग क्या है, ब्रह्म है, नाश हो जाने वाला है। तब मुक्त कहीं सो काही, फिर महाराज जब जग का प्रलय होगा तो मेरा जीव किस तरह से आवागमन के चक्कर से छूट के भव से पार होगा। फिर दसना संन्यास जो, कोई उत्तर नहीं। तब
सन्यास मत वाले आए भगवे कपड़े वाला। उन्होंने कहा स्वामी जी आप अच्छी तरह जानते हो कि जब तक सन्यासी नहीं बनोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। आइए हम आपको बताते हैं कैसे मुक्ति मिलेगी। बोले इष्ट प्रमाण, हम अपने इष्ट का प्रमाण देके बताएंगे। मन्या सात मठ चार हमारे, सात नाम सुन लो, सात हमारी मन्या है और चार हमारे मठ है, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण। कहीं चले जाओ सन्यासी कहते किसको हैं? आज वाले सन्यासियों को छोड़ो, आज तो भगवे तब मरने, क्योंकि भगवे पैरे होंगे तो हर कोई देख के पगे लागेगा, पगे लागेगा तो भेंट रोज पड़ से। बस अब सुनिए उनको जो पहले सन्यास मत चला कहां से था, क्योंकि सन्यासी का मतलब है जिस दिन भगवा धारण कर ले उसके बाद कभी भी वस्ती में जाए नहीं। अगर वस्ती में जाता है तो भ्रष्ट हो गया। यह है सार। और इसलिए स्वामी जी हमारे सन्यास मत के अंदर चार मठ हैं, पश्चिम में चले जाओ, पूर्व में चले जाओ, चाहे उत्तर में चले जाओ, चाहे दक्षिण में चले जाओ, और ये तो परमहंसों का मत है महाराज, गृहस्थियों का नहीं है। प्रथम मठ मन्या पश्चिम, पहले ध्यान के साथ एक एक मगज में रखना, सुन तो लो कि पहला जो हमारी मठ और मन्या कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। मठ शारदा कहाँ? शारदा मठ जो है वो है हमारा परम द्वारका क्षेत्र है, और क्षेत्र हमारा द्वारका जी है। सुदेचर देवता सुहाए, और देवता हमारे सुदेचर हैं। भद्रकाली देवी सही, हाँ, और हमारी देवी कौन सी है? भद्रकाली कलकत्ते वाली, सब मन की इच्छा पूरी करती है। गंगा गोमती तीर्थ, और गंगा गोमती हमारे तीर्थ हैं। अनुभूति स्वरूपाचार्य, और अनुभूति जो कभी भी अन्न की कमी नहीं आने देती वो हमारे स्वरूपाचार्य हैं। सारे सवे अरस, सब मनोकामना जो है वो पूरी करती है, कोई कष्ट होता ही नहीं है। इतवार है संप्रदाय, और इस संप्रदाय जो दक्षिण की है उसका नाम क्या है? कीडवार हमारी संप्रदाय का नाम है। तीर्थाश्रम दो नाम, अब ध्यान देना वो जो पश्चिम के सन्यासी होंगे उनका नाम क्या होगा? तीर्थ ने आश्रम, ये उनके साथ शब्द लगा होगा। मानो सोमनाथ है और साधु हो गया सोमनाथ तीर्थ जी, नहीं समझे? सोमनाथ आश्रम जी, तो इसको देखकर सब पहचान जाते हैं कि ये कहां के सन्यासी हैं, दक्षिण दिशा के। ये सन्यासियों के औलखान उनके नाम के साथ तीर्थ और आश्रम शब्द लगा होगा। ब्रह्मा विष्णु है देवता, और देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु हैं। ये पश्चिम मन्या है, स्वामी जी सुनते जाते हैं क्योंकि कोई बात ही नहीं करते तो उनका प्रश्न क्या करें। दूसरी मन्या है पूर्व की, और दूसरी मन्या पूर्व की है। वनारण्य दो नाम, और उसका नाम क्या है? वन और अरण, जैसे उनका तीर्थ और आश्रम था इनका नाम है वन और अरण। और जो भी उस वहां का सन्यासी होगा उसके नाम के साथ वन या अरण लगा हुआ होगा। भोग गोवर्धन है, हमारा मठ है, इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम भी भोगवार है। कीड़वार और पूर्व की मन्या भोगवार। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और क्षेत्र हमारा प्रभु के चरण कमल है। देवता है जगन्नाथ, और जगन्नाथ हमारे देवता है। बलभद्र और पद्माचार्य, बलभद्र और पद्माचार्य देव। विमलाई देवी साथ, और देवी हमारी विमलाई है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ, रोहिणी नाम, रोहिणी और दधी नाम, ये हमारे तीर्थ है, नदियों के नाम है। एक पूर्व की मन्या है हमारी। अब जब स्वामी जी ने इन आचार्यों के मुख से सिर्फ मठों का आराम का स्थान देखा, कहते क्या प्रश्न करें, कोई आगे की बात ही नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर चार मठ हैं कि किस तरह से हम खा पी के मस्त हो सकते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है इनका, चुप से सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। तीजी मन्या जो कही, पता चलता है कि पता चले कि हम साधुओं को देख करके ये तो पता बहुत
अरे उनके चेहरे पर बड़ा नूर है, मौला है, शक्ति है, क्यों? खाना पीना मस्त रहना, दंड पेलना, दूध मलाइया, चेहरा लाल नहीं होगा तो क्या चिंता वाला हो गया? हम देखो इनके चेहरे पर लाल है, बड़ा मोटा है, सोचो और समझो कहां दुनिया डूबी पड़ी है। सुनियो ताकि विद, अब उनकी विधि बताते हैं। जोशी मठ आनंद वार संप्रदाय, ध्यान देना, जोशी हमारा मठ है और संप्रदाय का नाम आनंद वार है। पद बद्रीनाथ आश्रम है और आश्रम हमारा बद्रीनाथ है। नर नारायण है देवता, नर नारायण हमारे देवता है। गिरि पर्वत सागर नाम, ध्यान देना इनका नाम क्या है, गिरि पर्वत और सागर, उनके नाम के साथ क्या होगा, गिरि जी महाराज, पर्वत जी महाराज, सागर जी महाराज, ये उनके नाम होगा उत्तर के मनने वालों के। नराटोट का आचार्य और नराटोट का हमारा आचार्य जय, ऋषियों के नाम है ये, नराटोट का ऋषि हुए वो आचार्य जय। पुण्यागिरी देवी धाम और पुण्यागिरी देवी हमारा ठिकाना मूल स्थान है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर और ध्यान से सुनना सुंदर साहब जी, अलखा नदी है ना, जब हम उसमें स्नान कर लेते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है। तीजी मन्या जान, ये तीसरी मन्या है। इन आचार्य जिसनों ने कहा, जब आचार्य ये नदियों में नहाने से मुक्ति और ये सब बता रहे, क्या प्रश्न किया जाए इनके ऊपर। स्वामी जी कहते अच्छा पहले सातों मन्या सुना लो अपनी, अपना समय प्रमाण और सब अपना प्रमाण भी दे रहे हैं। चौथी मन्या दक्षिण देश की और दक्षिण देश की रहेगी बाकी चौथी मन्या। तीन नाम है ताही, तीन उसके भी नाम है, पूरी भारती सरस्वती, पूरी भारती और सरस्वती, उनके नाम क्या साथ होगा, सरस्वती जी महाराज, पूरी जी महाराज, ये उनके नाम होंगे जो दक्षिण मन्या के सन्यासी होते हैं। बारी बारी चलता है इनका, पहली मन्या का नियम पूरे करे, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का, छठी का, फिर सातवीं का, पांच मन्या तक केवल राजा जनक हुए थे, जिसको विदेही कह दिया है, जो देह से भी फिर परे आदमी हो जाता है, ये सात मन्या वो है। श्रृंगेरी मठ है जान, और मठ हमारा श्रृंगेरी है, संप्रदाय क्या भूरवार, हाँ इस संप्रदाय का नाम भूरवार है। पद रामेश्वर क्षेत्र सत और रामेश्वरम हमारा जो स्थान कौन सा पता है, रामेश्वरम कहाँ पर है, जब राम भगवान समुद्र को पार करना था तो उसके बाद खड़े होके तपस्या किया समुद्र के किनारे, हे समुद्र देवता मैंने पार करना है, स्थान दे दो। ये रामायण के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो कोई सुनता नहीं, तब लक्ष्मण कहते लक्ष्मण शक्ति के बिना कोई सीधा नहीं होगा, ला मेरा द्वारा तीर कमान, बस उसको उठा करके अग्निबाण साधन के और समुद्र में छोड़ने लगा, तो उसका समुद्र का देवता सामने आ गया, कहने लगे प्रभु क्या माया में आके भूल गए, ये प्रकृति के नियम तो आपने बनाए, अगर प्रकृति का नियम जो है वही तुम तोड़ दोगे अभी महापर्वय हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा, लेकिन माया में आके तो पोते आप भूल ही गए हो, ये नील और कंठ जो तुम्हारे साथ है इसको ब्रह्मा ने वरने दे रखा है कि इनके हाथों से यदि ये पत्थर भी सागर में डाल देंगे तो पत्थर डूबेंगे नहीं, तो आप इनसे पत्थर डलवाओ वो तरेंगे, ऊपर लकड़ियों का जाल बांध देना, नीचे से मैं भी वो करूंगा, पुल बन जाएगा, सेतु बांधो और चले जाओ। कहने लगे अच्छा तो फिर पत्थर उठा के कौन लाए, कहने लगे हनुमान के, इसके पास आपने तो शक्ति दे रखी है, पहाड़ के पहाड़ उठा के ले आएगा। कहने लगे ठीक है, तब बुलाया सारे जितने उनके सपा सलार थे, उन्होंने कहा जी चार पांच दिन के अंदर पुल तैयार कर देंगे, धड़ाधड़ वानर सहरा पत्ते लाए, टेड़ियां लाए, तोड़ तोड़ के पत्थर तैरते जाते हैं और हनुमान बैठ के राम राम करके लिखता चला जाता, पुल तैयार हो रहा है। अब उस पांच दिन में वहां रामेश्वर के किनारे बैठकर वो
देखो विष्णु भगवान है शिवलिंग बना रहे हैं और उनको मंत्रों से सिद्ध कर रहे हैं और उसकी पूजा कर रेती से बनाया शिवलिंग उसका जो है पूजन कर रहे हैं। तो क्या करे ध्यान के साथ राम रामेश्वरा किसको कहते हैं रामा ईश्वरा रामेश्वर को क्या कहते हैं रामा ईश्वरा जस राम का जो ईश्वर है वो कौन है इति रामेश्वर। अब राम का ईश्वर कौन शंकर भगवान क्योंकि लिंग किसका बनाया शंकर जी का। तो हनुमान हंस पड़े ऊपर से शंकर भगवान और पार्वती आ रहे। पार्वती शंकर को कहती है भाई तुम दोनों ने दुनिया को उल्लू बना रखा है, तुम हमेशा कहते थे कि मेरा परमात्मा राम है और राम कह रहा है मेरा परमात्मा शंकर भगवान है ये क्या है। हंस पड़े कहने लगे तुम्हें नहीं पता है बड़ों की यही बड़ाई होती है हा? रामस्य उन्होंने कहा रामा ईश्वरायस ये क्या कहते हैं रामस्य ईश्वराय ईश्वरायस्य संस्कृत का शब्द है इति रामेश्वर के राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। अरे पंडित मेरे परमात्मा राम है और वो क्या कह रहे हैं मेरे परमात्मा किसको बनाए परमात्मा राम अपना परमात्मा किसको बताए क्योंकि आगे का सूत्र कुछ है ही नहीं। शंकर भगवान किसको अपने ईश्वर करे ये जब वो आएंगे विष्णु तो शंकर को परमात्मा बताएंगे और जब शंकर आ जाएंगे तो विष्णु को परमात्मा बताएंगे। शंकर हमारा देवता और शंकर आदि जो हमारा देवता है कामिक्षा देवी और कामिक्षा हमारी देवी है और श्रृंगी ऋषि हुए हैं और वो हमारे पृथ्वी के आचार्य हैं और भद्रा तीर्थ हमारा तीर्थ है ये चौथी मन्या का मत है। सब स्वामी जी सुन रहे हैं कि सब कुछ पृथ्वी पर का ही है और इससे आगे कोई बात नहीं है। पांचवी मन्या जो कही अब पांचवी मन्या जो है वो कौन सी है उर्दा उसका नाम है और उसका मठ कौन सा है सुबेर पर्वत काशी संप्रदाय और वहाँ से ये संप्रदाय चलिए नान पद कैलाश क्षेत्र है और नाम पद कैलाश क्षेत्र कौन सा है कैलाश जहाँ पर शंकर भगवान बैठ करके तपस्या करते हैं निरंजन देवता और निरंजन हमारे देवता है माया को देवी कही और देवी के ऊंची है बोलो बोलो माया फिर को कष्ट होने वाला थोड़ा ही है ईश्वर आचार्य जमान और हमारे आदि नयन जो ईश्वर है वो हमारे आचार्य हैं। मानसरोवर तीर्थ मानसरोवर नदी का नाम है वो हमारे तीर्थ है वहाँ जाके तीर्थ करते हैं। पांचवी मन्या सो ये पांचवी मन्या है सुन के आप चित विचारिया स्वामी जी कहते मैं प्रश्न क्या करूंगी कोई बात तो आगे जी पकड़ाते उनसे बात करते। अब छठी मन्या सुनो जो हकीकत में है छठी मन्या की विध जो आप छठी मन्या की जो विध है ये परमहंसों की विधि है वर्णत अगम अगाध जो अगम अगाध है दसो नाम का इष्ट है और दसो नाम का हमारा इष्ट है भगत बहुत विध साथ भजत भगत नहीं भगत भजत उसका हम भजन बहुत तरह से करते हैं। मन्या छठी कही आत्मा ध्यान दो साफ चेत हो गए छठी मन्या आत्मा और मठ हमारा क्या होना है उसका ध्यान से सुनने का प्रसंग है। मठ परातमूल मठ कौन सा है परातम मन्या आत्मा और मठ परातम है सत संतुष्ट कही संप्रदाय बस ये संत जनों का मार्ग है इसी से परमहंस जागृत होते हैं। जोग पद परे न भूल बस कहां घुस गए फिर नाभि के कमल के अंदर कहां बताएं कि आत्मा क्या है कौन बताएगा कि परातम कहाँ है परातम तो है मूल कहां से बताएगा नाभि कमल में ला करके घुसेड़ दिया कि ये है परातम यहां पर फिर डूब गए
नाम क्षेत्र परम देवता और नाम क्षेत्र हमारा जो है परमहंसों का है, मनसा देवी उरान और देवी हमारी कौन सी है, मनसा देवी, चेतन व्यापी आचार्य और कौन, चेतन व्यापी, हाँ चेतन व्यापी जो सर्व व्यापक है वो हमारे आचार्य हैं, त्रिकुटी तीरथ जान और त्रिकुटी इंगला पिंगला और सिकुमा, ये त्रिकुटी द्वार है वो हमारा तीर्थ है, सरोवर क्षेत्र है सनी और क्षेत्र हमारा सरोवर नदी है, छठी मन्या विधि ये छठी मन्या की विधि है, ये बात है साथ की, स्वामी जी दिल में सोचते हैं ये तो परम धाम की आत्माओं का सारा सार है, ये बेचारे बिन तारतम के क्या करेंगे, और ये देह पर घटा लेते हैं, प्रसंग तो आत्मा और पर आत्म का है और घटाते देह के ऊपर है, अब मन्या सुनो, अब सातवीं मन्या सुनो, ध्यान के साथ, सातवीं मन्या के बाद हे स्वामी जी क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें नहाना है और कुछ नहीं करना, और फिर दो प्रकार के जनेऊ होते हैं, एक गृहस्थियों का जनेऊ और एक ब्रह्म यज्ञोपवीत कहते, वो जो पहले हिंदुओं को डाला जाता था शिक्षा के समय शादी के समय सब कुछ पहले चलते थे, आजकल तो मैंने देखा नहीं कहीं, छह धागे का होता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान कर लें तो ब्रह्म यज्ञोपवीत जो है वो नौ धागे वाला डाल देते हैं, और फिर मंत्र क्या मिलता है, अहम ब्रह्म अस्मि, वो जगोपवीत डाला तो फिर हम स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद बन जाते हैं, यज्ञोपवीत में सूत्र कहो, और यज्ञोपवीत से ही हमारा सूत्र बनता है, वर्ण्य मत मठ चार, और चार हमारे मठ हैं, सात हमारी मन्या हैं, पश्चिम पूर्व उत्तर और दक्षिण है, दो उत्तर दक्षिण, दो उत्तर और दक्षिण है, चार मठ के चार ब्रह्मचारी, स्वामी जी अगर चार मठ हैं तो वो कोई खाली तो नहीं है ना, चार वहाँ पर ब्रह्मचारी भी रहते हैं, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश, ध्यान के साथ जिस वक्त वो ब्रह्मपुत्र नदी में नहा लेते हैं और ब्रह्म यज्ञोपवीत बन जाते हैं, उसको मठ में जब हम गादी देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सच्चदा नंद स्वरूप हो जाता है, हंस परम हंस बोध कुटीचर, स्वामी जी जो प्रश्न यहाँ करेंगे कि भाई ये बताओ यदि मनुष्य सच्चदा नंद है तो फिर उसका नाश क्यों होता है, फिर तो मृत्यु आनी ही नहीं चाहिए, सात मन्या और चार मठ जो है ये उदास उन्होंने जाहिर किया, सातों मठ के सन्यासी, और स्वामी जी सातों मन्या के सन्यासियों का आपको परिचय भी दे दिया है, बोला सब विचार करके उत्तर दिया, उपदेश बोध दीक्षा कहे, और सारा अपना बोध कैसे देते हैं मंत्र कैसे देते हैं वो भी बताया, तो देखो तोल निर्धार, स्वामी जी बोलो अब पूछ रहे कोई शक संशय बाकी है क्या, सात मन्या के सात मंत्र है। और सात मन्या के सात मंत्र भी जुदा जुदा है, जो सी मन्या आपने लेनी अभी मंत्र दे देते हैं आपको, मन्या प्रथम पश्चिम सुहा, पहली पश्चिम की मन्या है दूसरी वो सब सातों मन्या की, चलो आगे चलो, आप स्वामी जी एक ही प्रश्न करेंगे कि हमारा सातवीं मन्या जो आपकी लास्ट अंतिम है उसमें आप कहते हो कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मपुत्र नहा के और हम यज्ञोपवीत कर देते हैं ब्रह्म और वो सच्चिद आनंद में बनता है, तो ये बताओ वेदों का सार भी लेते हो तो क्या कभी सत का नाश होता है, कभी चिदगण का नाश होता है, क्यों, ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या, वो चेतन तो यहां सब वस्तु जड़ ही जड़ है, वो आनंदमय है तो ये दुख ही दुख का घर है, फिर एक मनुष्य का तन किस तरह से सच्चिदानंद हो सकता है, अब उसके बाद जब ये भी चारों सातों के सातों ऋषि चुप होके बैठ गए, अब आए भी तो वाले कहते हैं स्वामी जी हम पता क्यों चुपचाप बैठे थे, हमें पता है कि इनमें से कोई बता नहीं सकेगा और वेद के बिना कोई तुम्हें भाव से पार कर नहीं सकेगा, स्वामी जी कह जी आप ही कृपा कर दो, अब वो चार वेदों के जो शेष शास्त्र है सोना ना सुंदर साहब जी, सारे धर्मों का पहचान बिना किसी कष्ट के यही बैठे आपको स्वामी जी परिचय करा रहे हैं,
अब चार वेदों के छह दर्शन हैं। तट दर्शन बोले तब छह दर्शनों के आचार्य बोले प्राचीन स्वामी जी, सबसे पहले जगत के अंदर वेद आए, वेदों से पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए हमारा जो है मठ और ये संप्रदाय और ये हम हैं सबसे प्राचीन पुराने हैं। देखो तुम समझ के, समझ के देखो क्या वेदों से पहले कोई जगत के अंदर ज्ञान आया तो बताइए हमें, समझो एक एक बात को। वो समझा रहे हैं स्वामी जी को भगवत प्राप्त और निश्चय करके जो सत परमात्मा है भगवत, पहले भगवान परमात्मा सत जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा और ब्रह्मा जी के चतुर्मुख है, चार वेद नित्यान और नित्यान ब्रह्मा जी के चार मुखों से चारों वेदों का उच्चारण होता रहता है। अध्ययन उत्तर मुखे और अध्ययन उत्तर मुख से कौन सा वेद होता है, अथर्व वेद होता है। पश्चिम मुख से बोले और पश्चिम मुख से जो है यजुर्वेद का गायन करते हैं। दक्षिण मुख से और दक्षिण मुख से कौन सा उच्चता है, श्याम वेद जो है दक्षिण मुख से होता है। इनके सटंग से और दक्षिण उत्तर के जो है वो अथर्व वेद होता है। ये चार जो है वेद इनको कोई पहले समझ नहीं सका था क्योंकि बहुत कठिन संस्कृत में मंत्र है, तब ऋषियों ने बैठकर इनके छह शास्त्र बनाए और चारों वेदों का जो सार है वो इन्हीं छह दर्शनों में है। कहो इनके प्रमाण, हम उसके प्रमाण देते हैं। प्रकट भये मुख पूर्व दे, पूर्व के मुख से जो है कौन कौन सा शास्त्र प्रकट हुआ, न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन प्रमुख से कौन सा हुआ, न्यायिक दर्शन है। पश्चिम मुख से प्रगति और पश्चिम मुख से जो है तीन शास्त्र निकले हैं, इनको कहो वचन। उनका जो है वचन सुनिए, पातांजल और सांख्य। हाँ, पातांजल सांख्य और विशेषक। हाँ, ये विशेषक तीन पश्चिम मुख से हुए हैं। पश्चिम मुख से प्रगटे और पश्चिम मुख से क्या प्रगटा, तीन शास्त्र। ये तीन शास्त्र पश्चिम मुख से हुए हैं। मीमांसा दर्शन चतुर और चौथा मीमांसा दर्शन जो है दक्षिण मुख से, ये दक्षिण मुख से निकला है। अति निर्मल वेदांत और स्वामी जी छठा जो है वो वेदांत शास्त्र है उत्तर मुख से, जो उत्तर मुख से हुआ है। दर्शन इस तरह से वेदों के छह दर्शन हो गए और इन छहों दर्शनों के अंदर वेदों का ही चार का सार है, इससे परे कोई वस्तु नहीं है। इनको कहो प्रमाण, अब उनके प्रमाण लीजिए। तट दर्शन आचार है सही और छह दर्शनों के छह आचार भी हैं। नाम सुनो सही, ऐ स्वामी जब उनके नाम सुनो जिन्होंने ये दर्शन बनाए थे वेदों में से। गौतम ऋषि से कौन सा शास्त्र बना, न्याय शास्त्र। न्यायक शास्त्र को बताने बनाने वाले गौतम ऋषि हैं। मीमांसा दो मिल कही और मीमांसा शास्त्र को दो ऋषियों ने मिलकर बनाया, जयमुनि और व्यास, इन दोनों ने इसको बनाया है। कर्म विवेक जयमुनि कहो, विवेक कर्म के प्रति के कोई परमात्मा नहीं, कोई जीव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कर्म ही सब कुछ है, ये जन्मे जय ने जन्मे ने बताया। आगे चलो, शारीरिक कृत व्यास और शरीर कृत कर्म कांड व्रत जप मंगल से शनिचर से, ये सारा जाल किसने डाला, व्यास जी ने। मीमांसा की दो विधि है कही तुम्हें प्रकार, स्वामी जी आपको बताया है। कपिल देव के संख्य है और कपिल देव ने संख्य दर्शन बनाया है। पातांजल मत से और पातांजल जी खास विशेष मत है। कर्ण देव विशेषिक और कर्ण देव ने विशेषक दर्शन बनाया है। देव शिव वेदांत और शिव ने वेदांत बनाया। ये छह के छह दर्शन है, चार वेद इज इक्वल टू छह दर्शन। ये आचार्य मूल है और ये इनके आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं। छह शास्त्र के लेखक और छह शास्त्रों के ये लिखने वाले हैं। वाद चतुर को करत है और ये छहों के छह शास्त्र चार वेदों का ही सार देते हैं और कुछ नहीं इसमें है। बिन बिन मत देख पर जुदा जुदा सार करके उन्होंने निकाल दिया है। न्यायिक दर्शन की बोलो श्री प्राणनाथ, चिंता न करो, ये छहों दर्शन सुन लो।
फिर और भी सुनाएंगे, फिर कल अपनी भक्ति आ जाएगी, पर भाई जागृत होकर सुनो, इसकी गुमाला नहीं फेरनी, पहचान तो होनी चाहिए ना। क्यों भाई, क्यों प्राणनाथ जी के चरणों में? सवाल क्या है? हम हर कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है, अब विशेषता तोड़ के देखो कि आखिर चीज क्या है, अब छह शास्त्रों में क्या कुछ है, जरा उसका इंट्रोडक्शन लीजिए कि क्या क्या चीज वो देते हैं। भेद वाद विदाय, जो न्याय का दर्शन पहला है उसका भेद क्या है, क्या भाषा है, सब सुनिए। माया देव ईश्वर कही सचेत, ये क्या कहते हैं, ओम ओम, इसमें ओम में है क्या, माया ईश्वर अने जीव, उनका मंत्र भी है माया ईश्वर जीव अविनाश, ये न्यायिक दर्शन का सार है। तब स्वामी जी ने कहा भाई माया भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है, तो भैया ये रहते कहां पर हैं? बिना नदी सुहाए, कहते हैं कि ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर भिन्न भी हो जाते हैं। स्वामी जी ने कहा भी व्यक्ति कहां है, ये स्थान तो बता दो। स्वामी जी तुम्हारे अंदर बैठे, अंदर जो है 21 सीढ़ियां प्रणालिका है, लेफ्ट साइड में 11 और राइट साइड में 10, वो एक ज्यादा है जहां पे हार्ट जिसको कहते हो वो स्थान है, और ये सब की सब सीढ़ियां जो है दुखी दुखी भरी हुई है। अरे भाई ठहर जाओ, समझाने दो कुछ। स्वामी जी कहते हैं ईश्वर भी दुख में है, नहीं समझे, ईश्वर भी दुख में है और माया भी दुख में है और जीव भी दुख में है, फिर तुम इनको अनादि भी कहते हो, तो फिर जरूर तेरी किसी धर्म में जाने की, जब ईश्वर भी दुख के अंदर है तो फिर सुख का तो कोई नामो निशान नहीं, तो काहे को गुरु और काहे के धर्म धारण करने हैं फिर? प्राप्त हो ये तो ना, फिर किस तरह से प्राप्ति होगी? प्रश्न किया श्री जी, स्वामी जी ने ये प्रश्न किया, तुम्हें नहीं विचार, कहने लगे भाई ईश्वर को भी जो है वो कहते हो दुख में है, जीव भी दुख में है और माया भी, और फिर क्या कहते हो इनका कभी नाश ही नहीं होता है, तो जरा अपना वेद तो उठा के देखो, तुम्हारा वेद कहता है ब्रह्म सत्य और चिद आनंद। सुंदर साहब जी इस पर भी थोड़ा सा विचार कीजिए। श्री कार्यनाथ प्यारे।